रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.6, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको बता रहे कि फैक्टर थ्योरम यूज़ करें, इस टर्म को फैक्टराइज करें। ये क्वेश्चन भी लास्ट है, मेथड भी लास्ट है, केस नंबर भी लास्ट है। मतलब ये है, अगर आपने सारे ट्राई किए कि केस नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन के लिए आप कोई भी मेथड पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो लास्ट में आप फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको एक ही सिर्फ पॉलीनोमियल गिवन होगा, तो आप उस पॉलीनोमियल को लेट करोगे पी ऑफ एक्स की इक्वल, और इसमें एक एक वैल्यूज पुट करें, पहले +1, फिर -1, +2, -2, +3, -3, इसी तरह एक एक वैल्यूज पुट करते जाए जिससे आपको आंसर जीरो आ जाए। तो आंसर जीरो आ जाए तो हमारे पास एक ही फैक्टर होते हैं उसके, एक ही रूट होते हैं उसके, तो उसके जरिए से हम सेकंड रूट फाइंड करते हैं। ये क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं, आप देखते जाए। नंबर फर्स्ट में इसमें पुट करता हूँ 1। ये एक प्रैक्टिस भी होते हैं और आपको ये पता भी होना चाहिए या कैलकुलेशन जहन में करें कि इसमें हम क्या वैल्यूज पुट करें। तो मैंने 1 इसमें पुट किया, तो देखते जाइए ये हो जाएगा पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1³, जहां पे एक्स वहां पे आप 1 लिखे, 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 1 और +6। तो अब देखिए 1³ 1 की इक्वल है -2 इंटू 1 और -5 +6 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 -2 -5 +6। अरेंज करके ये दोनों ऐड होगा 1 + 6 -7 और 7 - 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास नंबर फर्स्ट है, मैंने आपको बताया क्वेश्चन के तीन हिस्से हैं। ये पहला हिस्सा है, हमने वैल्यूज पुट किया और उससे आंसर हमारे पास क्या आया, जीरो आया। तो ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्स इस साइड पे शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, -1। तो मैं लिखता हूँ सिंस एक्स -1 इज 1 फैक्टर, पी ऑफ एक्स की ये एक फैक्टर है, टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स -1। यहां पे +1 है, ये इस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बनते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं, सही है? तो देखते जाए, ये हमारे पास डिवीजन मेथड है। और पॉलीनोमियल को मैं लिखता हूँ पी ऑफ एक्स को x³ -2x² -5x और +6, और डिवाइजर क्या है, एक्स -1 है। आप डिवीजन में सिर्फ पहले एलिमेंट को देखें, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, x³ है, इसमें पहला एलिमेंट क्या है, x है, तो x के साथ में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x³ बन जाए, x² इंटू एक्स x³, x² इंटू -1 -1 x², फिर साइन क्या होगा, चेंज, +2 माइनस, -2 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 1x² और -2x², ये क्या बनता है, -x² और -5x और +6। ये बाकी टर्म को एज इट इज लिखा, यहाँ पे माइनस है तो सबसे पहले मैंने माइनस लिखा, फिर देखते जाए इधर x² है, इधर x है, तो क्या मल्टीप्लाई करो x के साथ, सिर्फ x, x इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस, x इंटू एक्स x² माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स इंटू 1 1x, अगेन प्लस, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -1x और -5x -6x +6 अपनी जगह पे होगा। अब इधर देखिए -6 है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो मैं -6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, -6 मल्टीप्लाइड बाई x -6x माइनस इंटू माइनस +6 1 6, अगेन साइन विल बी चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो आपको मिला, क्या मिला है, जीरो।
अब इसको याद करें, एस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। पी ऑफ एक्स पॉलीनोमियल, एक्स माइनस आर डिवाइजर, क्यू ऑफ एक्स कोशेंट और आर रिमाइंडर। इन क्यू ऑफ एक्स को जब डिवाइजर के साथ आप मल्टीप्लाई करें फिर रिमाइंडर को ऐड करें तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्यू पी ऑफ एक्स मिलेगा। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और एक्स माइनस आर क्या है, एक्स माइनस वन। और क्यू ऑफ एक्स क्या था, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स और प्लस आर। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी हमारे पास एक फैक्टर है और इस सेकंड फैक्टर को हम मजीद फैक्टराइज करते हैं सम एंड प्रोडक्ट से, तो एक्स माइनस वन अपनी जगह पे होगा और ये मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स और प्लस कैपिटल आर। रिमाइंडर क्या है, हमें रिमाइंडर क्या मिला था, ज़ीरो मिला था। इधर देखिए रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। मजीद इसको हम ग्रुपिंग करते हैं तो x माइनस वन अपनी जगह पे होगा और एक्स स्क्वायर इसमें से x को कामन कर दे इन दोनों में से तो क्या रहते, x माइनस थ्री और प्लस टू को कामन कर दे तो x माइनस थ्री विल बी द कॉमन फैक्टर। सो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। ये देखिए x माइनस थ्री कामन है और x प्लस टू क्या है, ये नन कामन है। ये हमारे पास क्या है, वन टू थ्री आर द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल और वो पॉलीनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। मतलब इसको जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें ये वैल्यूज़ मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आपको सिर्फ मेथड सिखा दूंगा। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं सब के सब एक जैसे हैं, सिर्फ पहले फैक्टर्स को फाइंड करें और डिवीजन सीखिए। अच्छा, पार्ट नंबर टू की तरफ आप देखिए, लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर। तो हमने यहाँ पे माइनस वन पुट किया है। मैंने आपको बताया ये प्रैक्टिस पे भी होते हैं और साथ साथ आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, जहन में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो माइनस वन क्यूब माइनस वन की इक्वल है माइनस वन स्क्वायर प्लस वन की इक्वल है माइनस वन फोर जा प्लस फोर माइनस इंटू माइनस प्लस फोर और माइनस फोर अपनी जगह पे। तो यहाँ पे प्लस फोर माइनस फोर के साथ कैंसिल, माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या मिला, ज़ीरो। सिंस एक्स प्लस वन इज द वन फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड पी ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस वन। इधर एक्स माइनस वन है, ये इस साइड पे जाएगा तो प्लस एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर हमने डिवाइड किया है किस पे, एक्स प्लस वन पे। तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू वन वन एक्स स्क्वायर। तो प्लस माइनस में ये भी कैंसिल, माइनस फोर एक्स आया और यहाँ पे माइनस फोर आया, तो माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस फोर एक्स, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, अगेन साइन चेंज, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हुआ। अब नेक्स्ट इसके थर्ड स्टेप को देखिए, तो इधर देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस आर इंटू क्यू ऑफ x प्लस आर। p ऑफ x की वैल्यू लिखा, x माइनस आर डिवाइजर लिखा और क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर था और रिमाइंडर क्या था, ज़ीरो। ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज हैं, तो x प्लस वन अपनी जगह पे लिखे और एक्स स्क्वायर माइनस फोर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर और ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो ये होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, थर्ड फार्मूला इस पर अप्लाई होगा और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी ख़त्म होगा। बाकी एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करें, मेथड सेम टू सेम है। अगर कोई क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट को देखिए, पार्ट नंबर एट है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू। तो हमने लेट किया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू। तो यहाँ पे दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि ये रफ वर्क से आपको पता लगेगा कि इसमें हम क्या वैल्यूज पुट करें। तो मैंने माइनस टू पुट किया है, माइनस टू क्यूब माइनस सिक्स इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस थर्टी टू। माइनस टू क्यूब किस की इक्वल है, माइनस एट की इक्वल है। देखिए माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू, माइनस इंटू माइनस
प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट आता है, और माइनस सिक्स अपनी जगह पे माइनस टू स्क्वेयर किसकी इक्वल है, फोर माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस टू, माइनस इंटू माइनस, प्लस टू टू ज़ा फोर, और थर्टी टू भी अपनी जगह पे, तो माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर माइनस ट्वेंटी फोर, और माइनस एट माइनस थर्टी टू प्लस थर्टी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने लिखा सिंस एक्स प्लस टू इज द वन फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमने माइनस टू पुट किया, इस साइड पे शिफ्ट हुआ तो क्या बना, प्लस टू इज पी ऑफ एक्स। टू फाइंड अदर फैक्टर्स डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय एक्स प्लस टू, तो हम इसको पी ऑफ एक्स को किस पे डिवाइड करते हैं, एक्स प्लस टू पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवीजन में देखें, हमारे पास एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू है, तो ये एक्स क्यूब है और ये एक्स है, तो क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखते जाए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होते, एक्स क्यूब होते, और एक्स स्क्वायर प्लस टू टू एक्स स्क्वायर होते, साइन चेंज माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर आते, और थर्टी टू को नीचे शिफ्ट किया है तो इधर माइनस है तो मैंने माइनस का साइन लगाया, ये एट एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो मैंने एट एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स एट एक्स स्क्वायर, साइन माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, एट मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्सटीन, और सात एक्स हैं तो एट एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू सिक्सटीन एक्स, माइनस सिक्सटीन एक्स आते हैं। तो मैंने साइड पे लिखा क्योंकि यहाँ पे उसका वेरिएबल नहीं था, तो इसको पहले लिखा, अभी साइन चेंज, ये प्लस में चेंज हुआ, कैंसिल हुआ, और माइनस सिक्सटीन एक्स भी माइनस प्लस में, तो ये नीचे आए प्लस सिक्सटीन एक्स, और थर्टी टू को भी नीचे शिफ्ट किया है, तो अब यहाँ पे सिक्सटीन एक्स प्लस थर्टी टू है, तो और यहाँ पे सिर्फ एक्स है, तो मैं एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई एक्स सिक्सटीन एक्स, सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाई टू थर्टी टू, साइन अगेन चेंज फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ये भी क्या हुआ, कैंसिल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस आर प्लस कैपिटल आर। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यूज लिखा, और आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मैंने क्यू ऑफ एक्स को पहले लिखा, क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन, और एक्स माइनस आर क्या है, एक्स प्लस टू, और रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो है। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, सम एंड प्रोडक्ट से भी होते हैं और सेकंड फार्मूले से भी होते हैं, तो सम एंड प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एट आते, माइनस इंटू माइनस प्लस फोर, फोर ज़ा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर आते हैं, और प्लस सिक्सटीन। अब इनको ग्रुपिंग रिटर्न किया तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स से एक्स कामन किया तो क्या रहते, एक्स माइनस फोर, माइनस फोर एक्स प्लस सिक्सटीन से फोर कामन किया, माइनस फोर कामन किया तो क्या रहते, एक्स माइनस फोर, और ये एक्स प्लस टू अपनी जगह पे आती। तो अब अगेन देखिए एक्स माइनस फोर, इन दोनों टर्मों में x माइनस फोर कामन है और ये x माइनस फोर नॉन कामन है, ये टर्म लिखा और साथ x प्लस टू लिखा, तो ये तीनों फैक्टर्स है किसके, p ऑफ x के। तो इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स इसके करें, प्रैक्टिस इस पर करें, तो इससे भी कभी कभार एक क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इससे डरते, फैक्टर थ्योरम से प्रैक्टिस से आसान होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।